ये हेलो प्रतिभा, वेलकम ऑन योर प्रिया प्लेटफॉर्म एंड लेट्स स्टार्ट योर थर्मोडायनेमिक्स नेव फॉर योर फाइनल एमपीसीआई इंटरव्यू। ओके प्रतिभा, सो आई जस्ट आस्क्ड यू माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड से इज रिलेटेड टू एनर्जी कन्वर्जन। टोटल एनर्जी से किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सर, फर्स्ट लॉ यही कहता है। अच्छा, आप स्टडी प्रोसेस से क्या समझते हो? फॉर एनर्जी इक्वेशन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्टडी फ्लो? से स्टडी फ्लो में होता है सर, किसी भी प्रॉपर्टी जो होती है टाइम के साथ चेंज ना हो। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, जैसे प्रेशर कैन यू हो, गिव मी सम टाइम के एग्जांपल साथ चेंज प्रतिभा ना हो। कैन यू गिव मी सम डेली लाइफ एग्जांपल वेयर वी कैन हैव ए काइंड ऑफ स्टडी फ्लो? स्टडी फ्लो कोई भी डेली लाइफ एग्जांपल जहां पे हम स्टडी फ्लो एज्यूम कर सकते हैं एंड वी कैन रियलाइज दैट फ्लो, स्टडी फ्लो। अच्छा, जैसे एलपीजी जो एलपीजी सिलेंडर से वी आर कंज्यूमिंग सम गैस, सो सम एलपीजी सिलेंडर इज अटैच्ड टू सम बर्नर, तो वो स्टडी होगा या यस अनस्टडी होगा? यस प्रतिभा, यू आर टेकिंग मच टाइम। हेलो, ये सर स्टडी होगा स्टडी होगा, व्हाई? सर। इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी सर, जो जो थी उसमें कंपोजिशन है, इसमें एलपीजी में जो भी ब्यूटेन डोंट यू जो भी गैस फील होती। द मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम विल चेंज एंड डीएम बाय डीटी विल चेंज विद द टाइम? नहीं, सर चेंज नहीं होगा उसका मास। So then how you know you will be able to run that burner? So some kind of flame we यस are going to get only when we are going to consume some gas out of the cylinder, nahin? Some यस gas सर, will definitely go out of the cylinder, and if some gas is going out, is there is any gas entering in the cylinder? Nahin, नो सर, नो only gas is going out, so dm by dt चेंज will not be zero for the control volume. So यस how सर, can we study? प्रेशर क्या उसका चेंज चेंज करेगा? व्हेन यू आर कंज्यूमिंग सम गैस इट्स प्रेशर इज गोइंग टू चेंज विद टाइम? नो सर, प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। गैस कंज्यूम करोगे आप सिलेंडर से तो उसका प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा? ये सर डिक्रीज करेगा। तो करना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज इफ यू आर कंज्यूमिंग सम गैस आउट ऑफ द सिलेंडर, देन डेफिनेटली द प्रॉपर्टीज विल चेंज विद टाइम। यू गोट दिस प्रतिभा? अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से रिलेटेड होता है। सही, इसके से दो लॉ, इसके दो लॉ दिए हैं सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स। केल्विन दो लॉज नहीं, केल्विन है दोज आर और टू सर स्टेटमेंट्स प्रतिभा, दोज आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यस दोनों तो एक ही है। हाँ ठीक है, सेकंड केल्विन है और सर क्लॉजियस है। हाँ तो क्या होता है क्लोजियस स्टेट? कैन यू एक्सप्लेन दैट क्लोजियस स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर क्लॉजियस स्टेटमेंट में ये कहता है कि सर कोई भी किसी भी सिस्टम में जो हीट होती है सर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं फ्लो कर सकती जब तक कि उस पे हम कोई हीट ऐड ना करें, वर्क ऐड ना करें। और यू कैन डिफाइन वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स? सर वर्क इज इक्वल टू PdV। वर्क इज इक्वल टू पी डी वी फॉर व्हाट? ए क्लोज सर सिस्टम, क्लोज ओपन सिस्टम के सिस्टम? लिए, सर क्लोज सिस्टम क्लोज ओपन सिस्टम के लिए वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? सर VdV होगा। तो क्या एजम्पशन होती है? व्हाट आर द एजम्पशन टू राइट वर्क फॉर ओपन सिस्टम इक्वल टू VdP? व्हाट आर द एजम्पशंस अदर देन द ओपन सिस्टम? बिकॉज वर्क फॉर ओपन सिस्टम इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस VdP, तो क्या क्या एजम्पशंस रहती हैं? प्लीज प्रतिमा,
हेलो, यस सर, सपोर्ट व्हाट आर द अजम्पशंस प्रतिमा? सिस्टम, वर्क जो हम वीडीपी लिखते हैं उसके लिए क्या अजम्पशंस रहती हैं? ओपन सिस्टम में क्या सर, किन अजम्पशंस के साथ वी कैन राइट वर्क इक्वल टू वीडीपी? ओपन सिस्टम में सर एनर्जी, इसे मास का भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। व्हाट इज एंट्रोपी प्रतिभा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स? एंट्रोपी इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इज रिलेटेड टू हीट, नॉट टू टेम्परेचर। सर जितना भी है हीट ऐड करेंगे हम, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। कोई सर एग्जांपल दे इनमें सकते हो आप? कैन यू गिव मी सम डेली लाइफ एग्जांपल वेयर यू कैन यू नो कन्विंस मी कि सर दिस इज हाउ वी कैन से दैट इंक्रीज इन एंट्रोपी इज गोइंग टू रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अनअवेलेबिलिटी? सर इंक्रीजिंग एंट्रोपी में सर, सर थोड़ा रिकॉल करो आप चीजों को प्रतिभा, यू यस नो, लिंक द थिंग्स आई एम जस्ट आस्किंग यू। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मेरे को, डेली लाइफ एग्जाम्पल, जहां पे हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि एंट्रोपी के बढ़ने से कैसे आपका जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो बढ़ जाता है या अवेलेबल एनर्जी घट जाता है? प्रतिभा, आइडियल गैस से क्या समझते हो आप? सर, आइडियल गैस तो जिसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो टाइम के साथ। ऐसा गैस जिसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो टाइम के साथ? ये डेफिनेशन आपने बनाया है या समवेयर यू स्टडीड दिस? बिकॉज ऐसा तो कोई नहीं डेफिनेशन होता ही सर, नहीं है। सर एक सेकंड से बताते हैं, ऐसा नहीं है सर। सर कोई भी गैस सर आइडियल होती है सर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में उसे आइडियल मान सकते हैं। हीलियम हो गया, O2 हो मैंने गया, आपसे ये नहीं पूछा प्रतिभा कि आइडियल गैस कब होती है, मैंने जस्ट ये पूछा है कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस वो होती है सर जिसकी विस्कोसिटी ही होती है ये अगेन आपने कहीं पढ़ा है या यू आर गेसिंग सर, समथिंग? आइडियल फ्लूइड हो गया सर। आप गैस कर रहे हो उसको? सर आप बता दीजिए आइडियल गैस के बारे में, सर नहीं, ये चलो पूछना एट चाहिए। लास्ट एट द एंड आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स, डोंट वरी। आप मेरे को ये बताओ प्रतिभा कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, देयर इज सम लॉ नोन एज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक्सप्लेन यस दैट लॉ। सर, डाल्टन पार्शियल प्रेशर वो सर वो होता है जैसे कोई दो कंटेनर है, तो दोनों कंटेनर को सर जो भी उसका प्रेशर वॉल्यूम, सर उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा। सर उसका कुछ प्रेशर होगा, जैसे दो कंटेनर, एक का P1 प्रेशर हो गया, दूसरे का P2 हो गया, और दोनों का वॉल्यूम सेम होगा और टेम्परेचर भी सेम होगा। अगर उसको तीसरे कंटेनर में लेंगे, उसका प्रेशर होगा दोनों प्रेशर के एड सम के बराबर होगा सर। डाल्टन से डाल्टन लॉ यही आता है। ओके प्रतिभा, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी, इसके बारे में सर ज्यादा पढ़ाया नहीं गया है सर, बस इतना ही उन्होंने लिखवाया है कि सर ये एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी से रिलेटेड होता किसने है सर। किसने नहीं पढ़ाया आपको? जहाँ कोचिंग किए थे सर वो बोले कि इतना जहां इम्पोर्टेंट नहीं है कोचिंग किए थे सर, वहां पे नहीं पढ़ाया गया है। सो यू हैव नॉट इसलिए सर रेफर्ड थर्ड लॉ ऑफ टू, यू एंट्रोपी। हैव नॉट रेफर्ड टू एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक? क्या हुआ सर, आपने किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर किया? यू स्टडीड एनी बुक ऑफ दिस सब्जेक्ट प्रतिभा, थर्मोडायनेमिक्स? नो आपने कोई बुक रेफर नहीं किया? अच्छा, कोई बुक बता सकते हैं कौन कौन सी अच्छी बुक आती है इस सब्जेक्ट? सर, खुरनी की आती है थर्मोडायनेमिक्स की सर, नहीं, कुर्बी की तो मेरे हर पास सब्जेक्ट की है आती है, सर, कुर्बी तो हर है सब्जेक्ट सर की मिल लेकिन जाएगी सर। आपको। तो आपने कुर्बी से पढ़ा सर है थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट? की बुक है नहीं सर, सर कोचिंग में जितना पढ़ाए गए हैं वो पढ़े हैं कोचिंग नहीं पढ़े? के नोट से। ठीक है, ठीक है, चलो आप मेरे को बताओ इररिवर्सिबिलिटी क्या होती है प्रतिभा?
इरिवर्सिबली सर एंड सर डेल्टा क्यू इज अपॉन टी इज लेस देन जीरो, सो दोबारा रिपीट करो। इरिवर्सिबल सर डेल्टा क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो नहीं, आप इस कुछ वैल्यू कहां जा रहे हैं इसके बारे में? नहीं, दिस इज नॉट रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जैसे सर जैसे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है वापस उसी पाथ से ना लौटे, यस प्रतिभा, यस सर आप कुछ बता रहे थे इरिवर्सिबिलिटी के बारे में। सर, या अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वापस उसी पाथ से ना लौटे उसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो जैसे कोई फ्रिक्शन हो गया, कोई डिस्टरबेंस आ गया सर, जिसका वो उसी पाथ से नहीं लौट रहा है। अच्छा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कुछ एग्जांपल दे सकते हो? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास वॉल्यूम पे डिपेंड करती है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है सर। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया सर, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हो गया जैसे एनर्जी हो गया, कोई भी एनर्जी हो, तो जैसे एंथैल्पी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, मास और वॉल्यूम हो गया, सब ये सब एक्सटेंसिव है। व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी प्रतिभा? व्हाट सर इज अवेलेबल एनर्जी? अवेलेबल एनर्जी सर जो भी हमारे में सर एनर्जी सर अवेलेबल होती है नहीं, हीट एनर्जी? क्या वो अवेलेबल एनर्जी है? हीट एनर्जी, नहीं सर, अवेलेबल नहीं है तो ये सुना उसके लिए आपने हमें वर्ड, ये दिस वर्ड यू नो हार्ड अबाउट इन थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी। तो सर आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? इस वक्त मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद आ रहा है। अच्छा प्रतिभा, क्वासी स्टैटिक से आप क्या समझते हो? क्वाजी स्टैटिक तो जिसे प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा हो, तो जैसे प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा है सर, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो, और सर जो हीट ट्रांसफर हो रहा हो तो टेम्परेचर डिफरेंस हो सर लगभग जीरो के बराबर हो। प्रतिभा, लेटेंट हीट क्या होता है? व्हाट क्या सर इज लेटेंट हीट? लैटेंट हीट सर फेज चेंज करने के लिए यूज किया जाता है सर, जैसे सर जैसे सर आइस है, सर आइस को हम वो सर सेंसिबल हीट देंगे, सर 0 डिग्री पे आइस रहता है तो इसको सेंसिबल हीट देंगे, सर सेंसिबल हीट देंगे तो सर 0 डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का 0 डिग्री का पानी बनेगा। चलो ठीक नहीं सर वो है फेज प्रतिभा, चेंज नहीं अभी मैं है। आपको फीडबैक दे देता हूँ। देखो यस सर प्रतिभा, आपका इंटरव्यू डेट नहीं आया है, तो यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज, रिकॉल ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। प्रतिभा, एक तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, वो अच्छा नहीं है। आई थिंक दिस इज फोर्थ टाइम, थर्ड और फोर्थ टाइम यू लॉस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, ये सर देखो सही कर लेंगे हम कल। अगली बार जब भी आना है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रखना है, आपको अपने आप को विजिबल करना है, सो दैट आई विल बी एबल टू ऑब्जर्व योर एक्सप्रेशंस। आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आज लग नहीं रहे थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी आपका यस सर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत एवरेज है, इवन बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन यू हैव नॉट आंसर्ड। ठीक है, स्टडी यस प्रोसेस में आपको कंफ्यूजन था, सेकेंड लॉ आप नहीं बता पाए, वर्क इक्वल टू वीडीपी किन अजम्पशंस पे होता है, दैट आल्सो यू हैव नॉट आंसर्ड। डेल्टन्स लॉ आपने पूरा गलत बताया, थर्ड लॉ आपने कंप्लीटली नहीं बताया, अवेलेबल एनर्जी यू मिस्ड, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव नॉट आंसर्ड टुडे। तो ये इस अंडरस्टैंडिंग से तो इंटरव्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको अभी अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन वॉच लिसन टू द मैराथन क्लास, मैराथन क्लास देख लो एक बार विजेंद्र सर का, लिसन टू सम ऑफ द यस स्टेप्स एंड देन अगेन ज्वाइन मी आफ्टर यू नो रिवाइजिंग दिस। और एक सर इंटरव्यू में बहुत कभी टाइम भी, कभी भी ना इंटरव्यू, एक बात सुनो ध्यान से, इंटरव्यू में कभी भी, यस तो इंटरव्यू जब भी होगा उसमें आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा सर, मेरे को ये पढ़ाया नहीं गया। जो भी पढ़ लिया, यस दैट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर।
ये बच्चों वाली बात यस नहीं करनी कि सर मेरे को नहीं पढ़ाया गया, ऐसा करके क्या होगा, आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा नेगेटिव पॉइंट होगा ये। आर गेटिंग? तो यस जितना पढ़ाया गया, नाउ यू नो यू क्रैक्ड सम एग्जामिनेशन मे बी रिटन और एनीथिंग, अभी आपको क्या बोलना है कि सर दिस पार्ट ओनली सर आई नो, आई स्टडीड अबाउट दैट सर, बट आई नो ओनली दिस पर्टिकुलर लाइन अबाउट थर्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर, या उससे ज्यादा पूछते हैं देन यू कैन मेंशन कि सर आई विल गो इनटू मोर डिटेल अबाउट दिस लॉ सर, बट दिस टाइम आई नो ओनली दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, डोंट यस ब्लेम एनी यस अदर पर्सन बिकॉज दैट इज वेरी यस नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो यस थोड़ा सा मेच्योरिटी लेके आओ अपने आंसर्स में, रिवाइज करो, अंडरस्टैंडिंग डिवेलप ये करो, सर मैंने रिवाइज नहीं किया सर, इसलिए हो सकता है मैं भूल रही नहीं हूँ। तो रिवाइज करके आना था ना स्नैप देने के लिए, तो रिवाइज करके आना है, विदाउट रिवाइजिंग इफ यू कम इनटू स्नैप सेशन देन देयर विल बी नो एडवांटेज। ठीक है, रिवाइज करो, टेक योर टाइम, जो मैंने आपको बताया मैराथन क्लास वगैरह देख लो 1-2 दिन, उसके बाद मेरे को दोबारा ज्वाइन करना। ओके, अभी मैं टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव नॉट आंसर्ड, तो टाइम है तो इसको सुन लेना आप, दिस सेशन यू विल गेट ऑन पैनल, यू कैन लिसन टू दिस इफ यू वॉन्ट टू गेट ऑल दोज क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू। ठीक है प्रतिभा, गुड लक एंड कीप प्रिपेरिंग।